निर्माता निर्देशक को डरा रही है सरकार। सच्ची घटनाओं पर ये फिल्म आधारित है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म की रिलीज से पहले विवाद शुरू हो गया है। फिल्म निर्माता को नोटिस गैर जरूरी है क्योंकि ट्रेलर में कुछ भी तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सनोज मिश्रा को 30 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। सनोज मिश्रा बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्वतंत्र भारत में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन फिर भी निरंकुश शासक और तानाशाह आज भी देश को और देश के नागरिकों को अपना गुलाम समझते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात को लेकर मैंने 30 साल पहले अपना घर छोड़कर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आ गया था। मेरी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को बिना देखे बिना जाने ट्रेलर के आधार पर बंगाल में मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मुझे गिरफ्तार कर जेल में मारा जा सकता है। मैंने सिर्फ एक फिल्म बनाई है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और ना ही मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। सच बोलने के लिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं तो तनाव में नहीं हूं, लेकिन मेरा परिवार बहुत ही दबाव में जी रहा है। ये एक फिल्म नहीं, आंदोलन है और मुझे आप सबसे उम्मीद है कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। जन जागरण से हमें ये बताना है कि हम धरती पर एक जिंदा इंसान और लोगों के दुख दर्द से हम सबको भी फर्क पड़ता है। समय आ गया है सोशल मीडिया और फेसबुक से निकलकर फेस टू फेस सामने आने का। बंगाल पुलिस के हवाले होने का मतलब मेरी मौत है। मैं आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और साथ ही मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित और संवैधानिक सहयोग की अपील करता हूं। हर हर महादेव। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा का ये पोस्ट 28 मई 2023 का है। 8 दिन पहले यानी 14 अगस्त को बंगाल पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर सनोज मिश्रा लखनऊ से कोलकाता के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं और कोलकाता पहुंचने पर कुछ सेकंड के लिए उनका फ़ोन ऑन होता है और उसके बाद आज 22 तारीख तक भी उनका कोई अता पता नहीं है। उनके फ़ोन स्विच ऑफ हैं, उनका परिवार सदमे में है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। और कमाल की बात देखिए, हमारे देश में एक नेता की बकरी भी खो जाए तो चंद घंटों में वो नेशनल न्यूज़ बन जाती है और एक फिल्म डायरेक्टर जो बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर फिल्म बनाता है उसके गायब होने के 6-7 दिन तक भी किसी को पता नहीं चलता कि वो इतने दिन से गायब है। 2023 के पोस्ट में ही सनोज मिश्रा ने ये बात कही थी कि कोलकाता पुलिस के हवाले होने का मतलब मेरी मौत है। भगवान करे कि वो ठीक हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहां एक राज्य में अपना ही एक अलग कानून चलता है। कार्टून तक बनाने पर मुख्यमंत्री कार्टूनिस्ट को जेल करवा देती है, तो फिर सोचिए कि सनोज मिश्रा ने तो अपनी फिल्म के माध्यम से बंगाल की असल स्थिति को लोगों के सामने लाने का काम किया था, तो उनके साथ क्या हुआ होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल नाम से सनोज मिश्रा एक फिल्म बना रहे हैं, लेकिन फिल्म को बनने और रिलीज होने में लंबा समय लग गया क्योंकि फिल्म को उन्होंने बंगाल में ही शूट किया और अक्सर स्थानीय लोग या प्रशासन फिल्म की शूट में रोड़े अटका रहे थे। कई सालों की मशक्कत के बाद आखिरकार जब फिल्म तैयार हुई तो राज्य सरकार ने फिल्म पर अनेकों पाबंदियां लगा दी और फिल्म सेंसर से पास नहीं हो पा रही थी। इसी बीच डायरेक्टर सनोज मिश्रा को न केवल धमकियां मिलनी शुरू हो गई बल्कि बंगाल में उन पर FIR दर्ज भी हो गया। निर्माता निर्देशक को डरा रही है सरकार। सच्ची घटनाओं पर ये फिल्म आधारित है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म की रिलीज से पहले विवाद शुरू हो गया है। फिल्म निर्माता को नोटिस गैर जरूरी है क्योंकि ट्रेलर में कुछ भी तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सनोज मिश्रा को 30 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। सनोज मिश्रा बता रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बावजूद वो अपने फिल्म को रिलीज करने के लिए लड़ते रहे। आखिरकार फिल्म को सेंसर से हरी झंडी मिल गई और आने वाले 30 अगस्त को ये फिल्म रिलीज के लिए रेडी थी। लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को जब सनोज मिश्रा कोलकाता के लिए रवाना हुए उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। क्या इसे ही कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी? कहाँ गए वो सो कॉल्ड लिब्रांडू जो किसी खास दर्द के व्यक्ति के साथ गलत हो जाने पर छाती पीट पीट कर तबाही मचा देते हैं? क्या उन्हें सनोज मिश्रा के गायब होने पर कुछ नहीं कहना है? हाँ सही बात है, क्यों कहेंगे, वो तो एक राष्ट्रवादी हिंदू फिल्म डायरेक्टर था और वो इन सो कॉल्ड लिब्रांडू पत्तलकारों के सहानुभूति के दायरे में नहीं आता। सनोज मिश्रा एक सच्चे देशभक्त हैं जो उनके सोशल मीडिया पोस्ट से भी समझा जा सकता है। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों के निर्देशन से करियर की शुरुआत की जहाँ रवि किशन, मनोज तिवारी, खेसारी लाल और पवन सिंह जैसे एक्टर्स के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में
ओमपुरी अभिनीत लास्ट फिल्म गांधीगिरी का डायरेक्शन किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उन सब्जेक्ट्स पर फिल्म बनाने की ठानी जिन पर पैसे लगाने वाले प्रोड्यूसर मिलने बहुत मुश्किल थे। नतीजा उनकी लो बजट फिल्में उनके सब्जेक्ट को बड़ा रूप नहीं दे पा रही थी। श्रीनगर फिल्म में उन्होंने आतंकवादियों को केंद्रित करके फिल्म बनाई थी। काशी टू कश्मीर में भी उन्होंने अपनी सोच को फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, लेकिन लो प्रमोशन और बहुत ज़्यादा लो बजट फिल्म होने के कारण वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई। और अब द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसका अभी हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ था। हम जल्दी हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा होंगे। ऑफ कोर्स टेक्निकली फिल्म जैसी भी हो, बट ये बंगाल और भारत के उस मुद्दे को दिखाने का काम करती है जिसके बारे में सोचना भी बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के बस की बात नहीं है। ये बात मैंने पहले भी एक बार बताई थी कि एक समय था जब मैं फिल्म मेकिंग सीखने के लिए अनेकों डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को फेसबुक पर मैसेज किया करता था कि मुझे वो अपना असिस्टेंट बना ले। कई महीनों तक मैसेज करता रहा, कभी किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन सनोज मिश्रा वो इकलौते डायरेक्टर थे जो उस वक्त गांधीगिरी फिल्म बना रहे थे और उन्होंने मुझे सेट पर आके सीखने का मौका दिया। ये चीज़ दर्शाती है कि वो कितने डाउन टू अर्थ थे। सनोज मिश्रा ने अपने पुराने पोस्ट में अपने साथ गलत होने की आशंका जताई थी और उन्होंने मोदी जी, अमित शाह और योगी जी से सहायता की अपील भी की थी। अब मैं भी इन सभी से अपील करना चाहूंगा कि सनोज मिश्रा जी को ढूंढ कर लाने की कृपा करें। उनका इस प्रकार से गायब हो जाना हम सब राष्ट्रवादी लोगों से ज्यादा सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यदि उन्हें कुछ हो गया तो कौन राष्ट्रवादी मुखर होकर गलत चीजों के खिलाफ बोलेगा। यदि हम खुद को सुरक्षित ही महसूस नहीं कर सकेंगे तो गलत के खिलाफ फिर आवाज कौन उठाएगा, और हम ही आवाज नहीं उठाएंगे तो इसका नुकसान खुद सरकार को भी उठाना पड़ सकता है, और ये बात वो भी जानते हैं। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि उनके गायब होने के कारण कुछ और हो, वो जल्द लौट आए। लेकिन क्योंकि ये बंगाल से जुड़ा मामला है इसलिए मामला ये गंभीर लग रहा है। इस मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत ने पहल करते हुए प्रशासन से सनोज मिश्रा के गायब होने पर सवाल उठाए और आश्वासन दिया है कि वो उन्हें ढूंढ कर लाएंगी। रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी, जो सनोज मिश्रा को बहुत करीब से जानते हैं, उनका भी इस विषय पर चुप बैठना बहुत खल रहा है। सनोज मिश्रा जी, आप दोनों के बारे में बहुत बातें शेयर किया करते थे, मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया उन्हें ढूंढ कर लाने में आप भी सहायता करें। जय हिंद, वंदे मातरम।